धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज गुड फ्राइडे के इस अवसर पर मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडी परिवार का, भाई अनुपम डेविड का, अपनी भाभी बहन शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह के छठे कलमे तक को आप तक पहुंचाऊं। लेकिन उससे पहले हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और तब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर जो कुछ आप हमें देने पर हैं या जो वचन आप हमें देने पर हैं उसे पाकर हम ना सिर्फ खुश हों, आनंदित हों, बल्कि अपने जीवन में उसे उतार कर अपने जीवन को आपको सौंप दें। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और पहला गीत जो हम गा रहे हैं वो है एक भजन, और भजन है हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदारत लाए के पापी लिए बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना के मुर्दे दिए जिलाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया के चेले लिए बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना के प्रभु से दिया मिलाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई के दास सदा गुन गाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। परमेश्वर की महिमा में एक गीत और गाएंगे और वो गीत है यीशु तू है मेरी आस, आता हूँ मैं तेरे पास, आप और खून जो बहे थे तेरे छीदे पहलू से, बख्श गुनाह की दवा हो दोजख से बचाने को, मेरी कोशिश है बेसुध नेकी भी गुनालूद, जानकर हो मेरी कुर्बान, आंसुओं का हो तूफान, इनसे हासिल क्या मुझे है नजात सिर्फ तुझी से, खाली हाथ में आता हूँ क्रूस पर तक क्या करता हूँ,
नंगा हूँ फकीर बधाल मुझ नाचार को कर बहाल, दे तू मुझे साफ पोशाक, कर तू मेरे दिल को पाक, अंधा हूँ तू फजल से अंधे को बिनाई दे, ना जिसून न जासत को धो यीशु मुझे धो, नातवान को रहम से तवनाई बख्श तू दे, जब तक रहे मुझ में दम या जब आए मौत का गम, जब रोजे कयामत हो बैठे तू अदालत को, ऐ जमानों की चट्टान अपने पास तू दे अमान। एक गीत और गाएंगे मसीह के शान में। रख तू मुझे क्रूस के पास यीशु प्यारे शाफी, गुनहगारों को मिलती है मुआफी, तेरा क्रूस, तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बाह आए मसीह कीमती लहू तेरा, क्रूस के पास मुजासी को यीशु तूने पाया, तेरा नूर अजीब स्वाद मेरे दिल में आया, तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बाह आए मसीह कीमती लहू तेरा, प्यार का नक्शा बरे पार काश मैं देखने पाऊं, और सलीब के साए में आगे बढ़ता जाऊं, तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बाह आए मसीह कीमती लहू तेरा, क्रूस के पास उम्मीद के साथ बख्श के ठहरा हूँ, जब तक यर्दन के उस पार बाप के घर न पहुँचूं, तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बाह आए मसीह कीमती लहू तेरा। आइए छठवें कलमे में जाने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रजू कराएंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु जो वचन आपका पवित्र आत्मा हमें देने पर है वो ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि उस पर चलने वाले भी हों, हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूर्ण करने वाले हों जिसके लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उतारा था, हम उस लहू को अपने जीवन में महसूस करने वाले हों
जिस लहू की छाप परमेश्वर देने के लिए अपने बेटे को प्रभु ने यहां भेजा था, हम उस पूरी योजना को पूर्ण होते हुए देखें अपने जीवनों में जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। चाहते हैं प्रभु के जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है, जितना समय आगरा मसीह मंडली ने हमारे लिए रखा है, वो समय सिर्फ समय ना हो, उससे हम लाभान्वित हों और 60-100-70 गुना फल लाकर परमेश्वर के खत्ते में लोगों को शामिल कर सकें, अनेक आत्माओं को बचाने वाले हों और उन आत्माओं के द्वारा हम कह सकें कि प्रभु आपने अपनी योजना को पूरा किया और जिस योजना को आप छोड़ गए थे उसे पूरा करने के लिए हम अभिषिक्त रूप में आपके साथ खड़े हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए छठे कलमे के लिए, और छठे कलमे को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 19वीं अध्याय की 30वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां लिखा है कि यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखने में तो यह आयत बहुत छोटी है, यीशु ने सिरका लिया, यीशु मसीह के लिए बाइबल कहती है कि वो उसका भाग पापियों में गिना गया। यशायाह में जब हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह की दशा के बारे में जानते हैं, तो हमें दिखता है कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसे मनुष्य का स्वरूप प्रदान किया और मनुष्य के स्वरूप से परमेश्वर ने वो सारे दुख उठाए जो एक मनुष्य को उठाना आवश्यक है। परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक था कि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आए, अपने बेटे को भेजे और वो दुख उठाकर क्रूस पर अपने प्राण दे, जिससे कि वो कफारा पूरा हो जो या जिसके लिए यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था। कल जब हम मंडे थर्सडे की बात कर रहे थे तो कल भी मैं एक पेज पर बोल रहा था, और जब मैं बोल रहा था तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य के रूप में जब यीशु मसीह गेतसमनी बाग में गया तो उसने अपने चेलों को पीछे छोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये कटोरा जो मैं पीने पर हूं, यदि आप चाहें तो मैं ना पीऊं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। डर स्वाभाविक था क्योंकि एक मनुष्य के रूप में बहुत सारी ताड़नाएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख परमेश्वर को झेलने थे और ये परमेश्वर जानता था। यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में ये कहा कि इन दुखों को मेरे सामने से हटा ले। दूसरी बार जब वो गया, तो पहली बार उसने आकर उन्हें सोते हुए पाया तो उसने कहा तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना पाए। आज हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को कि हम एक घड़ी भी परमेश्वर के साथ जाग नहीं पाए, यानी हमारी आत्मिक आंखें आज भी बंद है। जैसी हम मसीह से अलग हुए वैसी हम सो गए। दूसरी बार उसने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी, और तीसरी बार भी जब वो गया तो उसने प्रार्थना की और उन्हें सोते पाया तो उसने कहा सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। आज आपको मुझे समझना है कि यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया, बाइबल कहती है वो पाप से वो अनजान था, लेकिन फिर भी हमारे अपराधों के लिए उसने न सिर्फ कोड़ों की मार सही, क्रूस का दर्द सहा, बल्कि उसने हर वो चीज जो एक मनुष्य अनुभव कर सकता है किया। यहां तक का प्रलोभन उसे मिला कि उसके
डाकू साथियों में से एक ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को बचा। आज भी हम परमेश्वर से कुछ सीखते नहीं है, आज भी हम अपने एजेंडे के हिसाब से परमेश्वर को तोलते हैं। यदि तू है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो उस चीज का दंड पा रहा हूं जो मैंने किया है, लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दैट शोज द अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय गॉड। योन्ना में आगे क्या लिखा, योन्ना में पीछे क्या लिखा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। समय आता है मैं तुम्हारे साथ न रहूंगा, लेकिन मैं एक सहायक को भेजूंगा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें संभालेगा। यीशु मसीह को मालूम था कि उसे जाना है। एक मनुष्य के रूप में वो विचलित हुआ, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि माना। क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को आज महत्व दे रहे हैं? क्या आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोपरि रख रहे हैं? अब तक आप 5 कलमें सुनते आए हैं, और उन 5 कलमों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जितनी मानवीय संवेदनाएं थीं, जिसमें क्षमा है, जिसमें एक बेटे का अपने मां के प्रति प्रेम है, वो सब आपको देखने को मिला। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में यहां से विदा नहीं हुए, उसने हर वो इंतजाम जो वो अपने परिवार के लिए कर सकता था किया। उसने अपनी मां को, अपने सबसे प्रिय चेले को सौंप दिया। तेरी मां है, उसने हर वो जिम्मेदारी पूरी की जो कि वो एक बेटे के रूप में कर सकता था। उसने हर वो जिम्मेदारी पूरी की जो एक जिम्मेदारी के रूप में उसे मिली थी। उसने सिपाहियों को भी कहा, ये नहीं जानते कि ये क्या करते, इन्हें क्षमा कर। आप और मैं अगर ऐसी किसी स्थिति में होते तो हम तो गालियां दे रहे होते, फिर आप क्यों क्षमा कर, मेरे पास अधिकार है, यही बिजली गिरा के मार डाल। नहीं, क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 60 से 70 गुने तक हम क्षमा करें। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, सिखा गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या मैं और आप सीख पाए? आज समय है कि यीशु मसीह के उस अनुग्रह के समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए, परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उस पवित्रता को परमेश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि अपवित्र लोग परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। आज मुझे और अपने आप को आपस में एक दूसरे को जांचना है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। और आप ये देखोगे कि एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में यीशु मसीह ने जब सब कुछ कर दिया, तब उसने क्या कहा, पूरा हुआ। उसने परमेश्वर की उस इच्छा को पूर्ण किया, अनेक दुखों को सहते हुए, कष्टों को, तकलीफों को सहते हुए, जो परमेश्वर ने उससे चाहा था। बाइबल कहती है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपना प्राण भी क्रूस पर दे दिया। आज परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता सिखा रहा है, आज परमेश्वर आपको प्रेम सिखा रहा है, आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है किस तरह से आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। मैं और आप, हम अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए कई बार उसे परमेश्वर के ऊपर लाद देते हैं। प्रभु ये चाहिए, ये दे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी ने, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई। उन्होंने कहा कि बेटा, कभी भी किसी चीज को प्लान मत करो। सुनने में बड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, हमारे जीवन का जो आधार है वो परमेश्वर है। इंतजार करो परमेश्वर की इच्छा का,
और बाइबल में उन्होंने एक आयत जो मुझे दी थी वो आज भी मेरे लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा था कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें वो दुख मिलाकर नहीं देता, यकीन कीजिएगा। विगत 27 वर्षों से मैं अध्ययनरत हूं, एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा हूं, और मैं उन कुछ ऐसे लोगों में से हूं जिन्हें नौकरी का इंतजार नहीं करना पड़ा। 23.5 वर्ष की उम्र में जब मैंने अपनी एमए को पूरा किया तब परमेश्वर ने रास्ता खोला जिसे आज तक कोई बंद नहीं कर पाया। दीक्षांत समारोह में जब मैंने अपनी डिग्री ली तो साथ में नौकरी भी मिली, और वो नौकरी आज तक करकरार है, कायम है। 27 वर्ष हो गए। आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर हां और आमीन के साथ अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरी करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं ढूंढते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने ये सब चीजें आपके लिए बनाई। आज भी आप अगर देखें तो परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें तो परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बड़ी पदवियों से नवाजा है। तुम क्या हो? तुम मसीह के राजदूत हो। तुम क्या हो? तुम मसीह के लेपालक पुत्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। तुम कौन हो? तुम मसीह के मीरास की सहभागी हो, संभागी हो। यहां तक यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आज अपने आप को जांचिए प्लीज, क्या आप मसीह के नाम से कुछ मांग रहे हैं? और अगर मांग रहे हैं तो इस बात का विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपके जीवन की उस मुराद को जरूर पूरा करेगा जो आपने यीशु मसीह के नाम से मांगी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद यीशु मसीह का जो ओहदा है वो आपके और ईश्वर के बीच में एक परफेक्ट मीडिएटर या मध्यस्थ का है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आज आपको ये बात समझ आनी चाहिए। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राइस्ट। मसीह के बलिदान या क्रूस की कथा कुरंथियों में लिखा है कि किसके लिए मूर्खता है जो उसके महत्व को नहीं समझते, उनके लिए मूर्खता है। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए यह क्या है? विश्वास का कारण। कई लोग अपनी सीमित बुद्धि से ये कहते कि हैं कैसे मरा और कैसे पुनरुत्थान हो गया, हो ही नहीं सकता। बहुत तरह की चीजें शैतान फैलाता है लोगों में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ परफेक्ट गॉड, गॉड हैज कंप्लीटेड हिज विल ऑन हिज सन। और ना सिर्फ उसने उस इच्छा को पूरा किया बल्कि पूर्णता से पूरा किया। तीन बार यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उस कटोरे को हटाने की बात की, लेकिन यीशु मसीह ने साथ में यह भी कहा तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में रखे गए। ध्यान रखिएगा एक बात को, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। भजन संहिता क्या कहता है? जब तुम बेडौल तत्व थे तब से मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर ने नाम ले लेके पुकारा है आपको। परमेश्वर ने नाम ले लेके आपकी इच्छा को पूर्ण किया है। परमेश्वर ने आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से चुना है कि आप परमेश्वर के खत्तों में रखे जाओ। लेकिन क्या आप योग्य ठहरे? क्या उस परमेश्वर के बलिदान के योग्य ठहरे आप? आज ये प्रश्न मुझे अपने आप से और आपको अपने आप से करते रहना होगा।
क्योंकि अगर आप ये प्रश्न अपने आप से नहीं करते तो हम यीशु मसीह को छल रहे हैं। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। बाइबल कहती है तुमने अपना स्वाभाविक मुंह देखा और तुम चले गए और भूल गए तुम कैसे थे। आज मैं भी और आप भी जब बहुत अच्छे वचन को सुनते हैं तो वाह वाह करते हुए निकलते हैं, लेकिन उसके बाद हम पुनः अपनी पुरानी राहों पर मुड़ जाते हैं क्योंकि शैतान ऐसा चाहता है। आज यीशु मसीह ने समस्त ताड़नाओं को सहते हुए, समस्त दुखों को सहते हुए आखिर में ये कहकर अपने प्राणों को छोड़ा, पूरा हुआ। क्या मैं और आप भी वो हिम्मत रखते हैं कि जब हम इन संसार को छोड़कर जाएं तो हम परमेश्वर के सामने जाकर कह सकेंगे परमेश्वर जो कार्य आपने मुझे सौंपा था मैं उसे पूरा करके आया हूं, पूरा हुआ। आज इस वचन को सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, इस वचन पर चलने के लिए उसे पढ़िए। देखिए कि आपके लिए मसीह ने क्या रखा है, देखिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है और आप उसकी पूर्णता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और यदि कर रहे हैं तो आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं, और अगर नहीं कर रहे तो बाइबल में लिखा है अनुग्रह का समय चेत जाओ। बाइबल में साफ लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज अगर परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है तो पहले परमेश्वर को अपने साथ लो, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ो, निरंतर प्रार्थना में लगो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान मांगो और उस दान के जरिए परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतो, परमेश्वर के खत्तों को भरो, बताओ कि परमेश्वर हां मैंने किया जो काम आपने कहा था मैंने किया। क्यों? याद कीजिए सैमुएल को जिसने एली के पास आकर कहा कि कोई कहता है, कोई मुझे पुकारता है। एली ने उससे कहा अब तुझे पुकार सुनाई दे तो क्या कहना तू, हे प्रभु क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आज वही स्थिति आपकी और मेरी भी है, हमें परमेश्वर की उस आवाज को सुनना है जो परमेश्वर हमें, जिससे परमेश्वर हमें बुलाता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रत्युत्तर होना चाहिए, हे प्रभु तेरा दास सुनता है। बाइबल में लिखा है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, यानी आप और मैं। आज प्रेरित होकर यहां से विदा हूं, आज प्रेरित होकर आपको ये लगे कि प्रभु अब तक मैंने जो भी किया वो शायद आपकी योजना के अनुकूल नहीं था। ये गुड फ्राइडे वास्तव में मुझे आपकी योजना के अनुकूल बनाए, और मैं भी जब इस संसार को छोड़ूं तो मैं भी इसी शब्द के साथ इस संसार को छोड़ूं कि हे प्रभु मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में संसार को दिया, आपने एक दुख सुख भोगी मनुष्य को क्रूस दी, उसको उन सारी तकलीफों से गुजारा जिससे एक मनुष्य गुजरता है, आपने वो सारे अधिकार जो क्रूस पर उसके पास होने चाहिए थे छीन लिए, और उसके बावजूद उसे तुच्छ जानते हुए लोगों ने उसे मारा पीटा, लेकिन फिर भी प्रभु उसने उन सबको क्षमा करते हुए आपकी योजना को पूरा करते हुए कहा पूरा हुआ। होने दे प्रभु के आने वाले जीवनों में हम भी प्रभु की इच्छा को पूरे करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें, सदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और कहते रहें पूरा हुआ। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।